पियो और अपने आप को संभालो. यू डिजर्व इट. तुम सुबह तक पार्टी में क्या कर रही थी? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो डरीन? एग्जाम का क्या होगा? हाँ, मैंने ब्लैंक पेपर दे दिया. कम से कम तुमने एग्जाम देने के बारे में तो सोचा. ये बुरा नहीं है. अब क्या होगा? अगर तुम पहले ही एग्जाम में खाली पेपर रखोगी तो पास कैसे होगी? ये सब कुछ मैं हैंडल कर सकती हूँ. ओके, क्या हैंडल करोगी तुम? हाँ, सब खत्म हो गया. अमेरिका के 2 महीनों की छुट्टी को तो बाय बाय बोल दिया. तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज से मेरा सिर फटा जा रहा है. हाँ, यू डिजर्व इट. खैर, मैं क्लास में जा रही हूँ. तुम्हें प्रोफेसर के पास जाना चाहिए. उन्होंने तुम्हारे लिए मेकअप एग्जाम रखवाया है. मुझे नहीं करना है. मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है. हेलो मेलिस, जल्दी से स्कूल आ जाओ. चलो अबोर्ड भी जाओ. वैसे भी तुम्हें ब्लैंक पेपर ही तो देना है ना. आते वक्त मेरे लिए भी ले आना. क्या मतलब है कि मेरा काम नहीं है? हाँ, मैं वेट कर रही हूं. सुनो, चलो मेरे साथ चलो. तुम देख नहीं रही मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ. चलो जल्दी. मैं नहीं चाहती कि मुझे तुमसे कोई बात करते हुए देख ले. लेक्चर हॉल में कॉफी गिर गई है. क्या आप सफाई करने वाले को भेज देंगे? हम बैठ नहीं पा रहे. श्योर, रहमत जाओ तो. बिल्कुल चीफ, मैं अभी आता हूँ. चलो बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते? मेरा मतलब, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है. मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ये बात तुम जानते हो ना? हाँ तो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो. तुम मुझे 11 बजे स्कूल में मिलोगे. हम प्रोफेसर के घर जाएंगे और पेपर्स बदल देंगे. समझ गए? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है. वो तस्वीरें तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है, पता है ना? और मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ. तुम्हें जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा करो, या फिर आने वाली मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ. मुझे अपने गंदे कामों में मत घसीटो. मैं तुम्हारे चाहने से रात को चोरी करने स्कूल नहीं जाऊंगा. तुम्हें जो करना है खुद ही कर लो. इतनी बुरी हालत में भी तुम कोई गलत कदम नहीं उठा रहे. तुम्हारी बेवकूफी की तारीफ करनी पड़ेगी. आज रात 11 बजे बैकडोर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी. और मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है.